Hello student, today we are going to discuss about the roots of administration of drug, their advantages and disadvantages. Most drugs can be administered by the variety of routes. The choice of appropriate route in the given situation depends both on drugs as well as patient's related factor. जो मोस्टली ड्रग्स होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है वैरायटी अलग अलग रूट से एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं. जो चॉइस होती है अप्रोप्रिएटली रूट होते हैं वो होते हैं सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं ड्रग्स की सिचुएशंस और पेशेंट्स के रिलेटेड फैक्टर्स पे. सो रूट्स कौन से होते हैं? इंटेस्टाइनल रूट होता है, इनहेलेशन रूट होता है, लोकल एप्लीकेशन होती है, पेरेंटल रूटीन होते हैं. फर्स्ट वन है इंटेस्टाइनल रूट जो है GIT. ओरल रूट क्या था कि द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मोस्ट कॉमन रूट. ये कॉमनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है जो ओरल रूट है. सो एंड डोजेज विच आर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द कंसीडर्ड ऑन टू बी ओरल डोजेज ड्रग गिवन ओरली आर ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द GIT. सो एडवांटेजेस क्या है कि ये एक नेचुरल है, कन्वीनियंट है और मोस्टली एक्सेप्टेबल है जो रूट है. इट इज़ द सेफेस्ट रूट, इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिक. सेल्फ मेडिकेशन है वो अलाउ करता है और विदड्रॉल ऑफ अ ड्रग अगर कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इसमें क्या हम विदड्रॉ कर सकते हैं ड्रग्स को. मेडिकामेंट्स नॉट बी स्टीराइल एंड सो चीपर. सो मेडिकामेंट है वो स्टरलाइजेशन नहीं नीड करती तो ये चीप है प्राइजेस में. Therefore, the maximum number of drugs is administered orally. So, maximum जो drugs होती हैं वो orally ही administered की जाती हैं. Disadvantages क्या हैं? Onset of action is slow. So, not useful in the emergency. Emergency में ये नहीं use होगी और absorption है जो irregular है और unpredictable है क्योंकि जो food होता है वो ज़रूरी है अगर आप orally कोई भी drug है जो administered कर रहे हो. Not suitable during vomiting and severe diarrhea. अगर patient को vomiting है, diarrhea है तो उसमें ये suitable नहीं है. Cannot be used for the unconscious patient. जो unconscious patient होते हैं उनके लिए ये नहीं use किया जा सकता. Some drug like insulin and oxytocin are destroyed by the GIT fluid. कुछ जो drugs होती हैं जैसे ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन है, वो डिस्ट्रॉय की हो जाती हैं वो जो फ्लूड होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर. लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस आर नॉट ऑब्जर्व फ्रॉम द GIT. द नेक्स्ट वन इज सबलिंगुअल. इन दिस केस अ टैबलेट इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउड डिजॉल्व फ्रॉम वेयर इट गेट्स ऑब्जर्व रैपिडली थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन. ये क्या है, ये टैबलेट है जो अंडर द टंग है वो क्या है वो सिचुएट की जाएगी और डिजॉल्व होगी, वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती जाएगी रैपिडली म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू. इसके एडवांटेजेस हैं कुछ. अब्जॉर्प्शन है जो रैपिड है और यूनिफॉर्म रहेगी. सो इट इज़ अ यूजफुल इन द एमरजेंसी लाइक एंजाइना. द लीवर इज बाईपास्ड सो ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लीवर ड्यूरिंग फर्स्ट पास कैन एंटर डायरेक्टली इन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन. रिमेनिंग ड्रग कैन बी स्पिट आउट आफ्टर डिज़ायर्ड इफेक्ट. कुछ अगर हमको डिज़ायर्ड इफेक्ट मिल चुका है तो हमें जो ड्रग्स है एडमिनिस्ट्रेट की हुई अंडर द टंग वो हम स्पिट आउट कर सकते हैं. और कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो हो रहा है और कुछ भी इरिटेशन वगैरह इन्फ्लामेशन वगैरह प्रोड्यूस हो रही है तो आप क्या है स्पिट आउट कर सकते हैं ड्रग को. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? Drugs with a bad taste, bad smell or of an irritant nature unsuitable for in this route. Not convenient if the dose of drug is large or required over the period. Rectal route. The next one is rectal route. Drugs in the form of suppositories, enema or ointment can be given. जो rectal route होता है उसमें suppositories use किए जाते हैं, enemas होते हैं, ointments होती है वो यूज़ की जाती है फॉर द रेक्टल रूट. एडवांटेजेस क्या हैं? ओरल मेडिकेशन वुड नॉट बी अब्जॉर्ब प्रॉपरली सच एज ड्यूरिंग सवियर वॉमिटिंग और नोजिया. जब आप यूज़ करते हैं कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की मेडिकेशन की आप पहले बात कर चुके हैं उसमें होता है कि ऑब्जॉर्ब नहीं की जाती ओरली जो होती है जिनमें वॉमिटिंग हो, नोजिया हो,
डायरिया हो तो उसमें ओरल जो है मेडिकेशन वो नहीं यूज़ होती, तो इसमें ये वाला रूट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ द ड्रग इज़ लाइबल टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द जीआईटी फ्लूड, द ड्रग शुड नॉट बी पास बाय लीवर। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ एम्बेरसिंग फॉर द पेशेंट, एम्बेरसिंग हो सकता है कुछ पेशेंट में, अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द दिस रूट इज स्लो, इरेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल। इनहलेशन, इन दिस रूट द ड्रग मे बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द फॉर्म ऑफ गैस, वेपर्स और एरोसोल्स। इनहलेशन में क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं वो इनहेल करके ही लिए जा सकते हैं, गैसेज, वेपर और एरोसोल्स की फॉर्म में। मोर ओवर मेडिसिनल गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड वॉलेटाइल और गैसियस एनर्जेटिक्स हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड बाई दिस रूट। सॉलिड ड्रग इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाई दिस रूट फॉर लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट। कुछ सॉलिड ड्रग होती हैं जो एरोसोल्स की फॉर्म में होती हैं तो वो लोकली और सिस्टमिक इफेक्ट दी रूट से दी जाती है। देयर आर सम एडवांटेजेस, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा क्योंकि ये सीधा जो अपने स्ट्रीम के अंदर जाएगी, इसे कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और सेकंड पास मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत नहीं होगी, ये लीवर को पास नहीं करेगी तो जल्दी है इसका इफेक्ट वो शो होगा। ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय द पल्मोनरी एंडोथेलियम वेरी रैपिडली इन रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकोडाइलेटर लाइक सालब्यूटामोल कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स। अस्थमा के अंदर जो होती हैं ड्रग्स होती हैं वो सालब्यूटामोल होती है जैसे, तो वो दी जाती है एरोसोल्स की फॉर्म में। व्हेन स्टरिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, अ डोज कैन बी रिमूव्ड विदाउट कंटामिनेटिंग द रिमेनिंग मटीरियल। When administration is discontinued, the volatile drug diffuses back and rapidly eliminated in expired air. Thus, controlled administration is possible. Small doses होती है इसमें, minimum systemic side effect होते हैं। Disadvantages क्या है, irritant हो सकते हैं, vapor inflammation cause कर सकते हैं respiratory tract में और secretion उसकी increase कर सकते हैं। Expensive apparatus की इसमें ज़रूरत होती है for the administration of aerosol or gases. The next one is local application. Local application is the simplest mode of administration of the drug at the site where effect is desired. Local application है जो वो सबसे ज़्यादा simplest mode of administration of a drug है जहाँ पे आपको effect चाहिए किसी drug का और specific effect चाहिए। This method is used for the topical effect of a skin or mucous membrane or deeper tissue. Generally, the action of drug is limited to the area of action. Application. Thus, the optimum concentration can be attained with the minimum quantity of a drug. The site where drug are applied locally are the जो sites हैं जहाँ पे locally drugs apply की जाती है वो होते हैं skin, eye, ear, nose, throat, teeth, gum, rectum, vagina, urethra. Common doses form होती हैं जो होती हैं dusting powder, ointments, cream, emulsions, gels, lotion, paints, स्प्रेस, गार्गल्स, लिनीमेंट्स, प्लास्टर्स एंड ड्रॉप्स। ट्रांसडर्मर ड्रग डिलीवरी सिस्टम TDDS, ये एक नया सिस्टम है जिससे हम पैचेस के द्वारा स्किन के थ्रू सीधा इन द सिस्टम के अंदर, टिश्यू के अंदर ड्रग का जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अपा को इफेक्ट जो शो होगा। द सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द क्यूटेनियस रूट इज़ जनरली अनइंटेंडेड और नेग्लिजिबल। हाउ एवर इन रीसेंट ईयर एमरजेंस ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस फॉर स्लो एंड सस्टेन अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन अक्रॉस क्यूटेनियस टिश्यू इज़ अ नोवल अप्रोच। एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ दिस मैथड, आर द ड्रग अब्जॉर्ब स्लोली एंड मेंटेन अ कॉन्स्टेंट लेवल इन द ब्लड, इट अवॉइड्स फर्स्ट बाई पास मेटाबोलिज्म इन द GIT एंड द लीवर। ड्रग विद शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन वन और डे, एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन, ट्रांसडर्मल पैचेस। द फोर्थ वन इज पेरेंटल प्रिपरेशन, दिस रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग विच टेक्स देम डायरेक्टली इन टू टिश्यू फ्लूड और ब्लड विद ऑल फॉर्म ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टीराइल कंडीशन
आर इसेंशियल। प्रिंटर में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है ड्रग्स वो सीधे टिश्यू फ्लूड में की जाती है, ब्लड में की जाती है, बट ये एक्सपेंसिव है बिकॉज जो स्टरिलिटी है वो इसेंशियल है, इसे मेंटेन करना ही पड़ेगा। एडवांटेजेस: श्योर एंड इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्रग बाय जीआईटी फ्लूड इन द लीवर, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी क्योंकि इसको पास करना ही नहीं पड़ेगा जीआईटी फ्लूड्स को और लीवर को। कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस और नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, ये अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये यूज़ की जा सकती है। कैन बी यूज इन द प्रेजेंस ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये यूज़ की जाती है जो पेशेंट्स को डायरिया है, वॉमिटिंग है, उनमें से ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग जो रूट है, प्रिंटर रूट। ड्रग्स नॉट अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी कैन बी गिवन, जो ड्रग्स जीआईटी के थ्रू अब्जॉर्ब ही नहीं होगी उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, नीज स्टीराइल प्रोसीजर फॉर इंजेक्शन, स्टीराइल प्रोसीजर्स हैं वही यूज़ किए जा सकते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। पेनफुल हो सकता है ये, चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी हो सकती है, सेल्फ मेडिकेशन डिफ़िकल्ट है और पॉसिबल ही नहीं है, लेस सेफ है, एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द ओरल रूट। द वेरियस फॉर्म ऑफ इंजेक्शन आर इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनियस इंजेक्शन, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, इंट्राथीकल इंजेक्शन, बोन मेरो इंजेक्शन, नीडल फ्री इंजेक्शन, इंट्राकार्डियल इंजेक्शन, इंट्रा आर्टरिकुलर इंजेक्शन, इंट्रा पेन पेरिटोनल इंजेक्शन, इंट्रा कैमरल इंजेक्शन। ये इंजेक्शंस की टाइप हैं, फॉर्म्स हैं, जिसमें से अलग अलग जो रूट्स के द्वारा दी जा सकती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और जहाँ पे आपा को जो इफ़ेक्ट है वो चाहिए, डिज़ायर्ड इफेक्ट। चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, थेरापिटिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग हो सकते हैं, साइट ऑफ एक्शन डिज़ायर्ड हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ द इफेक्ट डिज़ायर्ड हो सकते हैं।